चटपटे आलू के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम में कर देंगे। उसके बाद इसमें हम सूखी मिर्च डालेंगे। उसके बाद जीरा डालेंगे। उसके बाद दो हरा मिर्च डालेंगे बीच से काट कर। उसके बाद हम बॉईल किया हुआ आलू डालेंगे। हमने बॉईल किया हुआ आलू डाल लिया है, इसे मिक्स कर लेंगे। इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर। उसके बाद हम इसमें मैगी मसाला मिलाएंगे। इसमें काली मिर्च मिलाएंगे। इसमें काली मिर्च डालेंगे लगभग 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी मिलाएंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट पकने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो आलू चटपटा आलू था वो हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपको देखिए दोस्तों, हमने जो आलू था उसे मिक्स कर लिया है। अब आप इसे मिक्स करने के बाद लास्ट में आप इसमें केचप डाल लेंगे। थोड़ा सा केचप मिक्स कर लेंगे और इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप इसे कोरिएंडर लीव से गार्निश कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा चटपटा आलू तैयार है। आप इसे मिला लीजिएगा एक और बार सही तरह से, ताकि हमारा मसाला जो है ये आलू में सही से पकड़ ले। ये देखिए दोस्तों, हमारा चटपटा आलू तैयार हो चुका है। अब आप इसे कोई भी साइड डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये चटपटा आलू की रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।